जिंदाबाद नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद पीएचसी कमिश्नर मुर्दाबाद बदले की भावना से काम करावे मुर्दाबाद बदले की भावना से काम करावे मुर्दाबाद वेतन देते मुर्दाबाद मुर्दाबाद वेतन खागे मुर्दाबाद मुर्दाबाद तेल साबुन खागे मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नाम नसीब नहीं समझते मुर्दाबाद नमस्कार मैं सोनम शुक्ला आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ नगर निगम टनाल से हरियाणा के जहाँ पर आप तमाम यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जो कि नजर आ रहे हैं क्या है प्रदर्शन कर रहे हैं हमारी लोकल मांगे यहाँ का जो डीएमसी है बातचीत के दौरान वो सीधे मुंह बात नहीं करना चाहता ने हमारे साथ जो मांगे अगर उसे तेल संपर्क की बात करें और उसमें तो क्या देखता है जो प्रेसिडेंट का जो है छोटी चल रही है जिसके अंदर अगर लिखा हुआ है हमारे कर्मचारियों को तंग कर रखा है सवेरे 6 बजे बुलाते हैं वो छुट्टियों में के 2 बजे तक लगातार काम लेता है बीच में खाना खाने की कोई नहीं है सवेरे खाली पेट कर्मचारी आते हैं 2 बजे तक काम करता है। तो मैं ये कहता हूँ काम तो करे काम तो अच्छी बात है लेकिन उसको खाने खाने का भी टाइम दिया जाए। साथियों मैं मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूँ ये डीएमसी अपनी बदली कराने के चक्कर में ये गरीब आदमियों को तंग कर रहे हैं। ये चक्कर है खट्टर के सामने अपने नंबर बना के कर्मचारियों को तंग करके ताकि मेरे नंबर जो आगे चले जाए और मेरी बदली हो जाए। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इसकी बदली अगर होती होगी तो उसको रुकाएंगे। हम इसको यही देखेंगे हम देखेंगे ये अपना काम करे हम अपना काम करें। जो हमारा सफाई का काम है हमारे कर्मचारी दिल और ईमानदारी से करते हैं। आज जो 11 दिन की हड़ताल थी 11 दिन की हड़ताल में 3 दिन के अंदर सफाई कर्मचारियों ने शहर को चमका दिया है। काम बढ़िया हो रहा है काम की कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने कर्मचारी को भी समझाते हैं काम ईमानदारी से करो लेकिन ये जान के जो है ना कुछ लोग हमारे जो नीचे के अधिकारी है वो डीएमसी को भड़का के और हमारे खिलाफ जो ये चाहते हैं और ये बदली कराने का एक अच्छा तरीका है। श्री खट्टर साहब को ये पता लग जाए डीएमसी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों को तय कर रहे हैं। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। धन्यवाद जी सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे उसकी जो यहाँ डीएमसी और लोकल प्रशासन है लोकल प्रशासन तो आज भी मान ले वो चाह रहा है कि अपने प्राण सही कर जो हड़ताल करी थी हमने 11 दिन हड़ताल करी 11 दिन वहाँ सरकार के साथ हमारा समझौता है। बड़ी सारी मांगे माननी गई रिपोर्टिंग दे दी हमारे सारी बात होगी उसके मुताबिक जो आज भी है ना डीएमसी साहब और हमारे एसओ साहब ये जो नीचे और नीचे तबके गए हैं ये सारे के सारे प्रशासन को कर्मचारियों ने परेशान कर रहे हैं बदले की भावना आज भी वही बदले की भावना जो पहले भाई हड़ताल करी ना इनको परेशान करो ये करो इस तरीके का बदले की भावना बढ़ रहे। हमने कल भी डीएमसी साहब से फोन से फोन से बात करी मैंने कहा डीएमसी साहब आप ऐसा डीएमसी साहब फिर उसके बाद भी मान ले हम बातचीत करना 5 बजे बुलाए 5 बजे हम बातचीत कर लिया हमने कह दी हमारी बातचीत का रसूल लेकिन बैठ जाओ अभी मेरे पे टाइम नहीं है मैं जा रहा हूँ फिर उसके बाद बैठे हम 5 बजे बुलाए बुलाए 6 बजे 6 बजे के बाद मैंने कहा हम जाऊँ जी जो जाना चाहते हो जाओ मैं बात नहीं करना चाहता मतलब ये है कि तार फिर आज भी करे बदले की भावना इसी तरह बदले की भावना से काम कर रहे हैं और ये मान ले सरकार ने उसकी बदली रोक दिया हमने तो उसकी बदली नहीं रोकी हमारे कर्मचारियों ने परेशान किया ये करे अभी कभी किसी एमसी के फाइल फेंक दी कभी किसी का कुछ कर दिया इस तरीके इस तरीके का एक एमसी ने हमें लिखा दे दिया मेरे दो दिनों का 4 दिनों का जो वही तो नहीं लगने चाहिए मेरा काम उनके अधिकार चलता नहीं मेरा काम पहले बढ़िया चल रहा था ये उस एमसी का नाम लेने के बाद ये डीएमसी एमसी का नाम लेने का ये एमसी ना चाहिए बदलवाई में हमने कहा चलो कोई बात नहीं हमने एमसी से कहा एमसी ने हमारे लिखा दे दिया मैंने किसी आदमी को कुछ नहीं कहा ये सिर्फ बदमाशी सारी की सारी डीएमसी की गैस होगी जिसको इकट्ठा करेगा मैं वही मोटापा है।
अगर जो पॉइंट बने हुए थे पहले की तरह, अगर वो पॉइंट बने होते कर्मचारी अपना कूड़ा वहाँ गया था, वहाँ से ट्रॉली उठाती पहले ट्रॉली के ऊपर भी कर्मचारी लगे हुए थे कूड़ा उठाने के लिए, लेकिन अब वो ट्रेली सिर्फ ठेका तो दिया है ट्रेलियों का कूड़ा उठाने के लिए, लेकिन नाम चारेगा क्योंकि ट्रेलियों के ऊपर कर्मचारी नहीं है कूड़ा उठाने के लिए। कर्मचारी सवेरे 6-7 बजे अपनी ड्यूटी पे आएगा, पहले वो अपना हल्का करेगा, उसके बाद वो कूड़ा इकट्ठा करेगा और जब वो ट्रेली आएगी वही कूड़ा वो कर्मचारी उठाकर ट्रेली में खाली करेगा। जबकि पूरा कर्मचारी का पूरा शोषण किया जा रहा है, दूध वाले दूध देना बंद कर दिया हमारे, तो हमारे स्कूलों में से बच्चे जो है फीस की है, हमारे बच्चे भी प्राइवेट पढ़ते हैं, जब फीस की बारी आती है उनको बाहर निकाल दिया जाता है, तो हमारे बच्चे कई साथियों को वो अपना चैन अपना बाहर पूरी छोड़ देते हैं। तो ये हम क्या चाहते हैं, समय रखते कमिश्नर की जात खुल है और इन कर्मचारियों को गरीब कर्मचारियों को तबके मजदूरों को देखे और इनकी समय पे सैलरी दे। देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से तमाम महिलाएं और पुरुष जो कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी ने अपील की है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हमें वेतन मिले, इसी के चलते जो है आज यहाँ पर ये मौजूद हुए। आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ द शील्ड में। मेरे अनुसार उनके साथ कैमरा मैन के साथ